अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, मैं आपको जैस्मिन हेल्थ एंड ब्यूटी टिप्स में खुश आमदीद कहती हूँ। आज मैं आपको नज़ला और जुकाम के लिए आसान और घरेलू सा टोटका बता रही हूँ। ये बहुत सस्ता और आसान इलाज है जिसको इस्तेमाल करने के बाद आपको किसी डॉक्टर के पास जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। जैसे ही सर्दी का मौसम आता है तो नज़ला जुकाम शुरू हो जाता है। खुश्क मौसम में खांसी भी होती है। इस मौसम में ज्यादातर लोग नज़ला जुकाम का शिकार रहते हैं। आज मैं आपको नज़ला जुकाम और बुखार, इन सब से निपटने का एक आसान और घरेलू टोटका बताऊंगी। ये एक आम सी चीज़ है जिसके इस्तेमाल से आप इन सब बीमारियों से जान छुड़ा सकते हैं। नज़ला जुकाम की वजह से नाक बंद हो जाता है और बुखार की वजह से तबीयत भी बेहाल हो जाती है। रंग बिरंगी गोलियाँ और दवा खाकर अगर आप तंग आ गए हैं तो रात को सोने से पहले ये वाला टोटका ज़रूर इस्तेमाल करें। सुबह उठकर तबीयत में हैरत अंगेज तब्दीली देखेंगे। रात को सोने से पहले हथेली पर जैतून का तेल लें, फिर छोटी उंगली से या किसी ड्रॉपर से 2 से 3 कतरे नाक की नथनों में डाल दें और सांस अंदर की तरफ खींचें। ये अमल सुबह उठकर कर सकते हैं। दिन में 3 से 4 दफा जरूर करें, वरना रात को सोते वक्त जरूर करें। ऐसा करने से आपका नज़ला जुकाम खत्म हो जाएगा। ये बहुत ही हैरत अंगेज टोटका है। जैतून के तेल में बेशुमार खसूसियात पाई जाती हैं। इसके बेशुमार फायदे हैं। इससे आपका नज़ला जुकाम और बुखार ठीक हो जाएगा। सो व्यूअर्स, उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये कारामत वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करें। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लें और इसे दूसरों के साथ भी जरूर शेयर करें। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।